आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। नवगठित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के शपथ ग्रहण संबंधी शासनादेश जारी। ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 27 मई 2021 को आयोजित किए जाने के संबंध में। दोस्तों, प्रस्तुत है आपके समक्ष यह आदेश। प्रेषक है निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। दिनांक 21 मई 2021 और पत्रांक आपको दिख रहा है। विषय है विभाग के अधिकारी कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोविड 19 का टीकाकरण कराने एवं कोविड 19 से संबंधित ड्यूटी के दौरान संक्रमण के कारण उनके असामयिक निधन होने पर नियमानुसार उनके आश्रितों को ₹50 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिए जाने के संबंध में। महोदय, जैसा कि आप विज्ञ हैं कि विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं द्वारा कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए गठित निगरानी समिति या सर्वे कार्य हेतु गठित समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग के निर्देशन में निरंतर फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग के अतिरिक्त कर्मचारी भी आपके निर्देशन में कोविड 19 संक्रमण के बचाव से संबंधित किसी न किसी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। कोविड 19 के संक्रमण के बचाव के लिए निरंतर कार्य करने के कारण ये भी संक्रमित हो रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि अद्यतन विभाग के कुल 11 अधिकारी कर्मचारी व कुल 72 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं का कोविड 19 संक्रमण से असामयिक निधन हो गया है और अभी भी कुल 426 अधिकारी कर्मचारी तथा कुल 441 कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं कोविड 19 से संक्रमित हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी व समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोविड 19 का टीकाकरण कराने तथा विभाग के जिन अधिकारी कर्मचारी या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं का कोविड 19 से संबंधित ड्यूटी के दौरान कोविड 19 के संक्रमण के कारण असामयिक निधन हो गया है उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य संभाग 11 के शासनादेश संख्या इसके द्वारा टीसी दिनांक 11/4/2020 के अनुपालन में नियमानुसार ₹50 लाख की एक मुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान करने का कष्ट करें। भवदीय डॉक्टर स्मारिका मोहन, निदेशक। तो दोस्तों, ये रहा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में आदेश। आगे बढ़ते हैं, हम आपको दूसरा आदेश दिखाते हैं। दोस्तों, ये आदेश है प्रेषक मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 22 मई 2021। विषय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 के पश्चात संगठित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 27 मई 2021 को आयोजित किए जाने के संबंध में। महोदय, ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 के पश्चात उनके संगठन तथा पंचायत पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण विषयक शासनादेश संख्या ये टीसी दिनांक 22 मई 2021 निर्गत किया गया है। ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रदेश में संगठित समस्त ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में समानता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संबंधित समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 27 मई 2021 को आहूत की जाए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 31 तथा 32 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत की दिनांक 27 मई 2021 को बैठक हेतु समय व स्थान यथासंभव
के नाम होंगे। इसकी एक प्रतिलिपि को सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में चिपका कर इसे प्रकाशित किया जाएगा। एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भी भेजी जाएगी। उक्त अधिसूचना का हिंदी एवं अंग्रेजी प्रारूप इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अपने जिले के ऐसी ग्राम पंचायतों को जिनके प्रधान और कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित हुए हों के संगठन की अधिसूचना दिनांक 24 मई 2021 सोमवार तक अनिवार्य रूप से जारी करना सुनिश्चित करें। प्रधानों एवं सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। ग्राम पंचायत के संगठन के पश्चात संगठित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने पद की शपथ उत्तर प्रदेश पंचायत राज प्रधान उप प्रधान पंच सरपंच सहायक सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य पद की शपथ नियमावली 1994 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार खंड विकास अधिकारी खंड सहायक अधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा नियत समय व स्थान पर ली जाएगी। साथ ही संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 अंगा 1 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार निर्वाचित प्रधानों एवं सदस्यों को विहित रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने का प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा 12 अंगा 2 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो उपयुक्त रूप से शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकार करने पर यह समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया है। शपथ लेने हेतु नियत प्रारूप संलग्न करते हुए अपेक्षा की जाती है कि शपथ के लिए स्थान एवं समय का निर्धारण करते हुए संबंधित प्रधान एवं सदस्यों को शपथ ग्रहण स्थल तिथि तथा समय की पर्याप्त समय पूर्व सूचना अवश्य दे दी जाए। कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत नवनिर्वाचित 58,176 ग्राम पंचायत व 731,813 ग्राम पंचायत सदस्यों को विकासखंड में एक साथ आमंत्रित कर शपथ दिलाने की कार्यवाही उचित नहीं होगी। अतः सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारीगण द्वारा नामित अधिकारीगण जनपद में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यगण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल माध्यम से दिनांक 25/5/2021 एवं 26/5/2021 को ग्राम पंचायतवार शपथ ग्रहण की व्यवस्था करेंगे। ग्राम पंचायत सदस्यगण अपने अपने ग्राम पंचायत में ही शपथ ग्रहण जिलाधिकारी द्वारा निर्देश अधिकारियों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल रूप में ले सकेंगे। शपथ ग्रहण पंचायत घर सामुदायिक भवन अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिवगण द्वारा लैपटॉप आदि इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ व्यवस्था में सहयोग किया जाएगा। शपथ पत्र की पर्याप्त प्रतियां साइक्लो स्टाइल मुद्रित करा ली जाएं। शपथ ग्रहण के पश्चात हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र की जांच करके ग्राम पंचायत के प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी के पास तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों के शपथ पत्र खंड विकास अधिकारी को सुरक्षित रखने हेतु सौंप दिए जाएंगे। उक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रम को कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी तथा क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन के साथ साथ स्थानीय समाचार पत्रों जैसे प्रचार माध्यमों से भी व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शपथ ग्रहण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जाएगा। अतः समस्त संगठित ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सदस्यों को दिनांक 25 मई 2021 से 26 मई 2021 तक शपथ दिलाना सुनिश्चित कराते हुए विलंबित दिनांक 27 मई 2021 की सायंकाल तक निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद की कुल ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायतों को संगठित करते हुए उनके समस्त प्रधानों तथा सदस्यों को नियमानुसार शपथ दिलाई जा चुकी है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त अनुसार ग्राम पंचायतों को संगठित करते हुए प्रधान एवं सदस्यों को शपथ दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह की समय सारिणी सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के उपरांत ग्राम पंचायतों के संगठन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण तथा ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक की समय सारिणी। ग्राम पंचायतों को संगठित करने की अधिसूचना जिलाधिकारी द्वारा निर्गत करना 24 मई 2021 सोमवार तक। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण की कार्यवाही 25 मई 2021 से 26 मई 2021 अर्थात मंगलवार बुधवार तक और नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक की तिथि 27 मई 2021 अर्थात बृहस्पतिवार तक। तो दोस्तों, ये रहे 3 आदेश 1 साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर।